हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है, हमने विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम्, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। युग पुरुष वही सारे समाज का होता है, युग पुरुष वही सारे समाज का होता है जो सबके मन का अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। कोटि-शत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज ये मंच माननीय उपराष्ट्रपति जी की अत्यंत गरिमामय उपस्थिति से दैदीप्यमान है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपके आशीर्वाद के लिए हम सब बेहद आतुर हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियां माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के लिए। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल जी, प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, अपने नाम के अनुरूप अपनी ख्याति दर्शाते हुए माननीय केंद्र मंत्री आयुष विभाग श्री सर्व आनंद सोनोवाल जी, पद्म भूषण
रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष श्रद्धेय दाजी कमलेश पटेल जी, उनकी गरिमाई उपस्थिति और कार्य शक्ति का लाभ पूरे देश को मिल रहा है। राज्य और केंद्र के मंत्रीगण, जबलपुर के सांसद श्री राकेश सिंह जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, लोकसभा सांसद श्री वी डी शर्मा जी, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को सुप्रभात। नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन मां नर्मदा के तट पर रानी दुर्गावती की ऐतिहासिक भूमि पर आकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूं, अभिभूत हूं। प्रदेश में कल आगमन पर मां नर्मदा महाआरती में सम्मिलित होकर नर्मदा स्वच्छता संकल्प लिया और माननीय मंत्री जी के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको आज योग पर पूरा समर्पण का संकल्प लेना चाहिए। योग एक दिन का नहीं है, हर दिन का है। भेड़ाघाट क्षेत्र में बंदर कुंदनी और धुआंधार के बीच से मध्य प्रदेश की संस्कारधानी से मैं अपने देश के भाइयों और विश्व समुदाय से विश्व एकता के प्रतीक योग को अपनाने का आह्वान करता हूं। यह दिवस विश्व बंधुत्व का संदेश दिवस है। हमारी सांस्कृतिक सोच वसुदेव कुटुंबक को परिलक्षित करता है। भाइयों और बहनों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय सांस्कृतिक विचार का जो जबरदस्त गहराई है उसको दर्शाती है। थीम है वसुदेव कुटुंबम के लिए योग, जो कि हमारी साझा आकांक्षाओं का अर्थात वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का प्रतीक है। और जब विश्व में भारत एक ख्याति प्राप्त कर रहा है G20 की अध्यक्षता के माध्यम से, G20 की थीम भी यही है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है भारतीय संस्कृति की। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मकता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण के का समग्र दृष्टिकोण है, अनकोट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर को इतना कहने के पश्चात
भारत के प्रधानमंत्री ने कहा और विश्व का आह्वान किया, आई कोट, आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें, अनकोट। यह भावना भारत के प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को विश्व के समक्ष रखी। प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया में अप्रत्याशित व्यापक समर्थन मिला और नतीजन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर को कितने कम समय में दुनिया के इतने देशों का एक पटल पर आना, एक सोच को स्वीकार करना, प्रधानमंत्री की भावना का आदर करना, वो 11 दिसंबर 2014 को फलीभूत हुआ और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विधिवत घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने की। हर मायने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योग के लिए जो भागीरथी प्रयास किया वो सफल साबित हुआ। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ा सोच है। दुनिया के ज्यादा हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस है और एक प्रकार से सूर्य के निकट नाते का ये पर्व होता है। भाइयों और बहनों, देश के लिए गौरव का विषय है, संतोष का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया में सर्वाधिक समर्थन मिला। कम से कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृति हुई वो भारत की दूरदृष्टि और उभरते हुए भारत की गरिमा और हैसियत को प्रमाणित करती है। यह उल्लेखनीय प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रस्ताव को जो भारत के प्रधानमंत्री ने रखा, दुनिया के 193 देशों ने समर्थन किया और 175 देशों ने इस प्रस्ताव में अपनी सहभागिता दिखाई, इस हवन में अपना योगदान दिया। अत्यंत संतोष का विषय है कि भारत के प्रयासों की वजह से योग वैश्विक पर्व बन गया है। इट इज अ ग्लोबल इवेंट, इट इज डॉटिंग एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड इट इज रिफ्लेक्टेड वाइब्रेंटली इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज भारत के हर हिस्से में और दुनिया के हर देश में यह पर्व मनाया जा रहा है। हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है, संतोष का विषय है कि यह पर्व आज भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 से 6:30 बजे एक प्राकाष्ठा पर पहुंचेगा।